और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि वो जनता और कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की मदद मिले। वहीं अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही सीट को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस के पास कई दावेदार हैं, संगठन वहां प्रत्याशी तय करेगा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अच्छा सरकार अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस सरकार की योजनाओं का लोगों को फायदा भी मिल रहा है। ये बात होगी, हमारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेगा। हम जिस दिन मैं शपथ ग्रहण किया उसी दिन से मैंने कह दिया था, तो और अगर कोई बात होती है तो हम जरूर हम सरकार तक उन बातों को सरकार से क्यों नाराजगी होगी। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी है। आज देखिए देश में दूसरा नंबर है सरकार। तो आपको बता दें कि भूपेश सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसा मोहन मरकाम का बयान सामने आया है और पीसीसी चीफ में मोहन मरकाम ने बयान दिया। और साथ ही कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा कि दो राज्य ही ऐसे हैं जिसमें कोरोना के चलते स्थिति काफी अच्छी देखी जा रही है। और साथ ही मुंगेली में प्रत्याशी की कमी की भी बात मोहन मरकाम ने की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शैलेंद्र पाठक जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, छत्तीसगढ़ की सरकार की एक तरफ से उपलब्धियां तो गिनाई, और क्या कुछ कहना था मोहन मरकाम का? मोहन मरकाम ने वो बिलासपुर पेंडर जाते वक्त जहां उपचुनाव होना है वो तो वहां दौरे के लिए निकले थे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए निकले थे, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को टटोलने के लिए वो निकले थे। इस दौरान वो बिलासपुर में पहुंचे और बिलासपुर में जो चर्चा की, जैसा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बार पहले ही कहा है, गोंडा गांव के जो एसपी है उसको लेकर के एक नाराजगी जाहिर की थी। एक पीसीसी अध्यक्ष के नाते सार्वजनिक रूप से इस तरीके से संगठन की बात एक प्लेटफॉर्म में करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही उन्होंने उसी बात को दोबारा रिपीट किया है कि उन्होंने कहा कि मैंने शपथ लेते वक्त ही कहा था कि सरकार अगर कहना नहीं मानेगी, कार्यकर्ताओं का कहना नहीं मानेगी, उनकी बात नहीं सुनेगी और जहां भी गलत होगा तो मैं बोलूंगा इसको लेकर के, और ये बात उनकी जारी रही थी और मैंने उसी बात को कहा है जी। और उन्होंने जो एसपी को हटाने की बात है तो उन्होंने समझदारी से कहा कि कैसे नहीं हटेगा, वो एसपी अध्यक्ष जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष है उनके इलाके का मामला है तो सरकार को कहीं ना कहीं उसको हटाना ही पड़ेगा। तो सीधे तौर पे एक तरीके खुले तौर पे सार्वजनिक रूप से एक जो प्लेटफॉर्म होता है संगठन का उसको छोड़ करके और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी से नुकसान संगठन को और सरकार को दोनों को कमजोर करने की कोशिश एक तरीके से है। अब इसमें जो पार्टी के अंदर में है हो सकता है गुटबाजी की वजह से चीजें सामने आ रही हो, लेकिन बिल्कुल शैलेंद्र, चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।